हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप 2022 के अंतर्गत एक और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग पब्लिक कर दिया गया है। वीडियो के आगे देखेंगे कि फाइनली ये जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट जो पब्लिक किया गया ये रेलवे के किस डिपार्टमेंट किस डिवीजन की तरफ से पब्लिक किया गया और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कितना कट ऑफ गया, कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया, कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज सारी डिटेल के साथ देखने वाले हैं। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कब जाना है ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि इसका जो ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग डेट है वो भी आपको पब्लिक कर दिया गया है। कब से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा इसके रिगार्डिंग भी फुल डिटेल आपको मेरिट लिस्ट में ही बता दिया गया है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि इसी तरह रेलवे से रिलेटेड हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही देखने को मिलेगा। तो चलिए सीधे चलते हैं इसके फाइनल आपका जो ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट रेलवे की तरफ से पब्लिक किया गया उस मेरिट लिस्ट पे चलते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम फाइनली ज्वाइनिंग का जो मेरिट लिस्ट रेलवे की तरफ से पब्लिक किया गया है हम उस मेरिट लिस्ट पे आ गए हैं। और ये जो आपका मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR की तरफ से रिलीज किया गया है। अगर इसका वैकेंसी का बात करें तो मई 2022 में इसका टोटल जो आया था वैकेंसी 5636 पोस्ट पर ऑल इंडिया के लिए यहाँ पे वैकेंसी आया था, जिसमें किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट हो रहा किसी डिवीजन का, तो किसी का आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ रहा, तो किसी का ज्वाइनिंग कंप्लीट कराया जा रहा। तो फाइनली अब जो ज्वाइनिंग का सिलसिला है बात करेंगे NFR रेलवे अप्रेंटिसशिप की तरफ से, तो वो जो ज्वाइनिंग का सिलसिला अब शुरू हो गया और एक के बाद एक यहाँ पे आपको यूनिट का ज्वाइनिंग जो है देखने को आ रहा। हम लोगों ने पिछला वीडियो में रंगिया डिवीजन को कवर किया था, उसका भी फाइनली यहाँ पे ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अपडेट आ गया था और उसका भी अपडेट आपको 1 मार्च से आपका ट्रेनिंग जो स्टार्ट हो गया था उसमें भी आपको डीवी के रिगार्डिंग भी डिटेल से बात की है। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा जितने भी रंगिया या फिर न्यू बेंगोई गांव के स्टूडेंट हैं। अब बात करते हैं कि ये जो आपका रिलीज किया गया है ये आप सभी देख सकते हैं कि लुमडिंग डिवीजन की तरफ से, लुमडिंग यूनिट की तरफ से रिलीज किया गया है। 9/2/2023 के डेट में जो मेरिट है वो बनकर तैयार हो गया, हालांकि अपडेट होने में थोड़ा सा यहां पर टाइम आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं कि सब्जेक्ट में, तो देखिए रिगार्डिंग एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट वायर्ड आपका सीरियल नंबर देख सकते हैं और स्टेशन नंबर एक्ट अप्रेंटिसशिप ओवर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ओवर द ईयर ऑफ, देखिए आपका सेशन का बात करेंगे तो 20/21/21/22 और 22/23 के अंतर्गत जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड है सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। चलिए स्क्रॉल करके अगर बात करते हैं तो टोटल इन देख सकते हैं कि इन रेफरेंस टू दी एव 162 कैंडिडेट, कितना 162 कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है। फाइनल एलिजिबल कैंडिडेट हैव बीन शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड वाइज वैकेंसी फॉर दी 1 ईयर जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। आपका ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो रहा ध्यान से देख लीजिए, तो 1/3/2023 के डेट से और 28/2/2024 तक आपका जो है ट्रेनिंग डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड वालों का चलने वाला है। क्योंकि अगर बात करें तो NFR का लगता है एक साथ ही सभी का ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, तो जिसका भी अभी तक ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट पब्लिक नहीं किया गया और वो DV में गए थे तो सभी अपना रेगुलर मेल चेक करते रहेगा, कोई ना कोई अपडेट आपको इसके रिगार्डिंग बहुत जल्द देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं तो एज सच कैंडिडेट आर हियर बाय एडवाइज टू अटेंड दी अंडर साइन फॉर रिपोर्टिंग विदाउट फेल एज पर दी शेड्यूल मेंटेन्ड बिलो, तो जो भी आपको शेड्यूल बताया गया है जिस भी दिन आपको जाना है बिना मिस किए आपको उस डेट में, आपको पार्टिकुलर जो डेट में बुलाया गया है उसी डेट में जाना है, मिस नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये देख लीजिए कि आपको जाना कहाँ है, तो दी डिविजनल रेलवे मैनेजर पर्सनल ऑफिस लुमडिंग डिवीजन आसाम 782447 आपका पिन कोड बोल लीजिए या फिर जिप कोड बोल लीजिए, यहां पे जाना है। फिर से आपको एक बार बता देते हैं, द डिविजनल रेलवे मैनेजर पर्सनल ऑफिस लुमडिंग डिवीजन आसाम। अगर बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेटेस का तो इंपॉर्टेंट डेटेस वगैरह में आप देख सकते हैं यहां पे टोटल 4 डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपको डेट जारी किया गया। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, तो आपको 20/2/2023 के डेट में रिपोर्ट करना है, 20 फरवरी को आपको रिपोर्ट करना है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बात करते हैं तो आपको 21 फरवरी 2023 को रिपोर्ट करना है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में बात करते हैं तो 22 फरवरी को रिपोर्ट करना है। और SNT वर्कशॉप में बात करते हैं तो आपको 23 फरवरी को रिपोर्ट करना है, मतलब 20 तारीख से जो आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो शुरू करा दिया जाएगा, 20 तारीख से लेकर आपका 23 तारीख तक चलने वाला है। तो इन 4 दिनों में जिसको भी बुलाया गया है जिस भी रिस्पेक्टिव डेट में जो भी डिपार्टमेंट हो सभी को उसी डेट में जाना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे और क्या बोला गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू बींग ऑल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विदाउट फेल एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, तो जब आपको रिपोर्ट करना है तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है ये एक बार जरूर जरूर देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी NAPS का जो 100% प्रोफाइल है जो अभी अपडेट आया है, ई KYC वगैरह सब कुछ आपको करके लेके जाना है, ठीक है।
उसके बाद आधार कार्ड लेके जाना है 4 कॉपी, पेन कार्ड आपको 4 कॉपी लेके जाना है, फोटो 4 पीस लेके जाना है, और बैंक पासबुक जेरॉक्स क्लियरली इंडिकेटिंग अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, ये भी आपको 4 पीस लेके जाना है, ठीक है। 4 कॉपी जेरॉक्स लेके जाना है, फिर से सुन लीजिए, जेरॉक्स कॉपी आपका अकाउंट का होना चाहिए, बैंक पासबुक का, जिसमें आपका जो अकाउंट नंबर है और आईएफएससी कोड है क्लियर मेंशन होना चाहिए, ताकि आपका जब स्टाइपेंड आएगा तो इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम देखने को ना मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि कैंसिल चेक 1 पीस मांगा गया है इसमें भी, तो मैंने हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ ईस्टर्न रेलवे में जिस तरह का आपको देखने को आया प्रॉब्लम स्टूडेंट का, कि 50% स्टूडेंट को वहाँ से वापस घुमा दिया जाता था, ज्वाइन नहीं कराया जाता था, मेन जो रीज़न था आपका कैंसिल चेक को ही लेके था। तो जितने कैंडिडेट के पास कैंसिल चेक नहीं है फटाफट करके अप्लाई कर दीजिए, इसीलिए मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि जितने कैंडिडेट के पास कैंसिल चेक नहीं है जल्दी जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका जितना जल्दी हो सके यहाँ पे चेक आ जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके जो चेक का प्रोसेस है ऑल डिवीजन में मैंडेटरी किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो देखिए सीरियल नंबर 2 से लेके 5 तक आपको सेल्फ अटेस्टेड करवा लेना है, 2 से 5 मतलब सीरियल नंबर 2 से लेके 5 तक, मतलब आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और बैंक पासबुक में आपको सेल्फ अटेस्टेड। देखिए सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि जो भी आपका जेरॉक्स कॉपी आएगा होगा, जेरॉक्स कॉपी के नीचे जो जगह बचेगा उसमें आपको खुद से अपना साइन कर देना है, उसे सेल्फ अटेस्टेड के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर उसके बाद आप देखोगे तो दी एवव डॉक्यूमेंट आर टू बी सबमिटेड इन प्लास्टिक फाइल इंडिकेटिंग नेम, डिपार्टमेंट, ट्रेड और कॉन्ट्रैक्ट नंबर एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट नंबर होता है जो आपका साइन होगा, और एक कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है एक प्लास्टिक फाइल में। चलिए ये सारा हो गया आपका पूरा डिटेल के साथ हम लोगों ने देख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि मेरिट लिस्ट कहाँ पे है, तो मेरिट लिस्ट आप सभी देख सकते हैं, और इससे भी इंपॉर्टेंट आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा आप अपना नैप्स प्रोफाइल या फिर अपना मेल पे विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे इसके रिगार्डिंग आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से फाइनली हमारा मेरिट लिस्ट शुरू होता है, जिसमें टोटल अगर बात करें तो 162 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि आपका भी सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे 5636 पोस्ट पर जितने भी कैंडिडेट का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आया है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे करके, क्योंकि आप जो NFR का प्रीवियस बैच था उसका ट्रेनिंग लगभग लगभग समाप्त हो गया है यहाँ पे, तो आपका धीरे धीरे करके ज्वाइनिंग यहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है। यहाँ से सबसे पहले आपको PWBD का देखेंगे, PWD का कैंडिडेट देख लीजिए, इतने सारे कैंडिडेट हैं, और यहाँ पे आप कट ऑफ भी देख सकते हैं। हालांकि कट ऑफ के रिगार्डिंग हम आपको बहुत जल्द इसके ऊपर सेपरेट वीडियो लाएंगे कि आपका अनरिजर्व में, इलेक्ट्रीशियन में, फिटर में कितना कितना कट ऑफ आपको देखने को मिला, उसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द कवर करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये PWBD में 15 कैंडिडेट हैं। एक्स सर्विसमैन में बात करेंगे तो टोटल इसमें आप देख सकते हो कि कैंडिडेट का संख्या 9 है। उसी तरह अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, जो आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है इंक्लूडिंग, इसमें आपका टोटल 19 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। कट ऑफ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट लाइनमैन ट्रेड से बात करेंगे तो देखिए 3 कैंडिडेट हैं। उसी तरह आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कारपेंटर ट्रेड से बात करेंगे तो 3 कैंडिडेट हैं। मेजोन ट्रेड से 1 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पेंटर ट्रेड से बात करेंगे तो इसमें 1 कैंडिडेट हैं। उसी तरह अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्लम्बर ट्रेड से तो इसमें 3 हैं। उसके बाद हम देखेंगे तो इलेक्ट्रीशियन और TRD ट्रेड देखेंगे, जो आपका स्टेशन एरिया है, तो टोटल इसमें 12 कैंडिडेट के आसपास कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट डीजल मैकेनिक ट्रेड के अंतर्गत, तो इसमें आप देख सकते हो कि 20 ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, 20 नहीं, टोटल 31 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया, कितना 31 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया। उसी तरह इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो टोटल इसमें 22 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया। तो और बात करेंगे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से, तो इसमें टोटल 1 ही कैंडिडेट है। उसके बाद हम बात करते हैं फीटर के अंतर्गत, तो फीटर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा टोटल 24 कैंडिडेट, कितना 24 कैंडिडेट को इसमें शॉर्टलिस्टेड किया गया है। एक एक करके अपना नाम मिला लीजिएगा। देन देखते हैं आपका मैकेनिक ट्रेड से, तो मैकेनिक ट्रेड में टोटल यहाँ पे देख सकते हो कि 6 ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, और सभी का कट ऑफ मार्क्स हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। मैकेनिक एंड RAC से बात करेंगे तो यहाँ पे भी टोटल 6 कैंडिडेट हैं। उसके बाद आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट वेल्डर ट्रेड से बात करते हैं तो यहाँ पे 16 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, 16 कितना 16 कैंडिडेट को आपको शॉर्टलिस्टेड किया गया। उसके बाद SNT वर्कशॉप से अगर बात करते हैं तो चेक किया गया है, ठीक है। चलिए ये सारा पूरा डिटेल जो हम लोगों ने देख लिया, अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कोई भी अगर डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट का PDF है ये आपको WhatsApp ग्रुप में देखने को मिल जाएगा, तो जितने भी कैंडिडेट WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि सारा का सारा अपडेट आपको वहां पे रेगुलर मिलते रहे। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि हर तरह का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।